क्या आप जानते हैं कि मनी एंड प्रेज में से लोगों को क्या ज्यादा मोटिवेट करता है? द आंसर इज प्रेज एंड रिकग्निशन। और प्रशंसा बच्चों को भी मोटिवेट करती है, मगर क्या आप जानते हैं कि यही प्रशंसा कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है? 1998 में कैरल ड्वेक और उनके कॉलीग्स ने पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रशंसा के प्रभावों द इफेक्ट्स ऑफ प्रेज का अध्ययन किया। ड्वेक यह स्टडी करना चाहती थी कि प्रेज बच्चों के माइंडसेट और परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करती है। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक आसान आईक्यू टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिया। टेस्ट के अंत में उन्होंने स्टूडेंट्स की तारीफ दो तरीकों से करी। एक ग्रुप को उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस के लिए सराहा और कहा, वाओ ग्रेट जॉब, यू मस्ट बी रियली स्मार्ट एट दिस। दूसरे ग्रुप को उनके एफर्ट के लिए सराहा गया और कहा, वाओ ग्रेट जॉब, यू मस्ट हैव वर्क्ड रियली हार्ड एट दिस। बच्चों की प्रशंसा करने के बाद उन्हें अगले टेस्ट का ऑप्शन दिया गया। एक चॉइस थी एक कठिन परीक्षा देना, जो ड्वेक ने बच्चों को बताया कि यह काफी कठिन होगा, लेकिन सीखने और बढ़ने का एक शानदार अवसर होगा। दूसरी चॉइस थी एक इजी टेस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, और जिसमें वे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। 67% बच्चे जिनकी इंटेलिजेंस की प्रशंसा की गई थी, उन्होंने आसान ऑप्शन चूज किया, जबकि 92% बच्चे जिनके एफर्ट की प्रशंसा की गई थी, उन्होंने कठिन विकल्प चुना। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक कठिन परीक्षा दी गई, जिसमें वे डेफिनेटली फेल होंगे। कैरल ने नोटिस किया कि वह ग्रुप जिनके एफर्ट की प्रशंसा की गई थी, वर्क हार्डर एंड लॉन्गर ऑन द टेस्ट, और दूसरा ग्रुप जिसकी इंटेलिजेंस की तारीफ हुई थी, वह ग्रुप जल्दी निराश हो गया और हार मान ली। फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ द स्टडी, दोनों ग्रुप्स को एक बहुत इजी टेस्ट दिया गया। परिणामों से ये पता चला कि इंटेलिजेंस ग्रुप ने इस टेस्ट में खराब प्रदर्शन दिया और उनके एवरेज स्कोर में 20% की गिरावट आई। एफर्ट ग्रुप ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनके एवरेज स्कोर में 30% की वृद्धि हुई। क्या स्टडी के रिजल्ट्स जानने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया कि बच्चों की तारीफ करनी चाहिए या नहीं? नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम बात करेंगे हाउ टू इफेक्टिवली प्रेज योर किड्स। प्रेज द प्रोसेस नॉट द एबिलिटी। जब हम बच्चे की सराहना करें, तब हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बच्चे की तारीफ उसके एफर्ट्स के लिए करें, ना कि एबिलिटी के लिए। जब बच्चा कोई कार्य करे, तो बच्चे को ये कहने की बजाय कि आप ये कर पाए क्योंकि आप बहुत होशियार हो, हम बच्चे को उसके प्रयास के लिए प्रशंसा करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क इन कम्प्लीटिंग द टास्क। जिन बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस या एबिलिटी के लिए सराहा जाता है, उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। वे ये मानने लगते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमता जन्मजात है, और फिर उनका लक्ष्य हर समय स्मार्ट दिखना हो जाता है। दूसरी ओर, जिन बच्चों को उनके एफर्ट्स के लिए सराहा जाता है, उनमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। वे इस बात को समझते हैं कि किसी कार्य में अच्छा ना होना एक अस्थायी स्थिति है, और अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज को हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस द्वारा डेवलप किया जा सकता है। प्रेज शुड बी सिंसियर। शोध बताती है कि बच्चे के शुरुआती वर्षों में प्रशंसा करने से वह सही काम को सीखने और करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की समझ विकसित होने लगती है, बच्चों को वास्तविक प्रशंसा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह समझ पाते हैं कि माता पिता उनको जेन्युइनली प्रेज कर रहे हैं या मैनिपुलेट करके कुछ काम करवाना चाहते हैं। प्रेज शुड बी डिस्क्रिप्टिव। जब हम बच्चे की प्रशंसा करें, तब हमें पर्याप्त और उचित शब्दों का उपयोग करके बच्चों को यह बताना चाहिए कि हम उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आपकी क्लीनिंग में हेल्प करे, तो सिर्फ गुड जॉब कहने की बजाय आप यह भी कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन क्लीनिंग, वी फिनिश्ड द टास्क क्विकली। इस डिस्क्रिप्टिव प्रेज से बच्चे अपने द्वारा किए गए काम के बेनिफिट्स को पहचान पाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में बच्चा समझ पाएगा कि औरों की हेल्प करने से काम जल्दी खत्म होता है। प्रेज एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम सब ने सुना होगा, क्रिटिसाइज द बिहेवियर नॉट द चाइल्ड। यही बात प्रशंसा पर भी लागू होती है। जब बच्चे की प्रशंसा करें, तो यह कहने की बजाय कि नाइस जॉब, यू डिड नॉट क्राई, आप कह सकते हैं
कि आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर स्टेइंग काम व्हेन आई सेड दैट यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले। प्रशंसा को कभी भी आलोचना के साथ ना मिलाएं, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो देगी। उन बिहेवियर्स पर फोकस करें जिन्हें आप बच्चे में अधिक देखना चाहते हैं। प्रेज एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है। यह बच्चों को यह दर्शाता है कि उनके माता पिता उनके काम पर ध्यान दे रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को डेवलप करता है। एज अ पेरेंट मुझे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे की तारीफ उसके एफर्ट्स के लिए करूं, ना कि एबिलिटी के लिए। हम पेरेंट्स को ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि हमारे बच्चे हमारी प्रशंसा पर निर्भर ना हों। धन्यवाद।